नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यू आर गॉड। और ये मूवीज और रियलिटी वाली सीरीज चल रही है, और इस सीरीज में मैं आपको अपने आध्यात्मिक अनुभव और लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि देखिए कैसे जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं और हमारे जो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं वो फिल्मों के जो दृश्य होते हैं उनमें उनसे समानता रखते हैं। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। तो हम बाहुबली फिल्म की बात कर रहे थे। अब उस फिल्म में देखिए एक ऐसा दृश्य है जिसमें शिवगामिनी देवी जो बाहुबली के पुत्र को बचाते हुए पानी में डूब जाती हैं नदी में, और उस बच्चे को हाथ में लेकर के ऐसे खड़ी रहती हैं पानी में और पूरी डूब जाती हैं। इतने में देखिए उसके बाद क्या होता है, उसमें से एक सांवले रंग का हट्टा कट्टा सा एक व्यक्ति नदी में कूदता है उस बच्चे को बचाने के लिए, और तैर करके और वहां तक आता है जहां वो बच्चा हाथ में होता है, और उस बच्चे को जो कि सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ है उसको वो अपनी गोद में ले लेता है, उठा लेता है और किनारे पर लेकर के आ जाता है। तो देखिए ये जो दृश्य है ना, इसमें जो व्यक्ति उसको बचाने के लिए गया, अब आप देखिए मैंने आपको एक बार एक अनुभव बताया था कि हमारे गांव में कुछ शिकारियों ने एक पक्षी को जो सफेद रंग का बड़ा सा पक्षी होता है ना, साइबेरियन पक्षी आते हैं हमारे, जो प्रवासी पक्षी होते हैं हमारे देश में, तो उस पक्षी को गोली मार दी, और उसमें से एक शिकारी जो हट्टा कट्टा था या तो उनका साथी था, बंदूक तो नहीं थी उसके हाथ में, और वो दौड़ता हुआ आया और तालाब में कूद के और सर्दी के दिनों में भी ठंडे पानी में भी वो लगातार मतलब तालाब के बीच में चला गया, और जहां वो पक्षी गिरा था उसको पकड़ने के लिए लगातार प्रयास करता रहा। तो वो दृश्य जो है ना, होने को तो एक नेगेटिव अनुभूति थी मेरी, ठीक है ना, मेरी लाइफ की, पर उसका एक पॉजिटिव रूप देखिए आप ये वाला। इसमें भी बिल्कुल वो सफेद रंग के कपड़ों में लिपटा हुआ बालक और उसको बचाने के लिए वो आदमी जाता है, तो मतलब एक ही जो अनुभूति है ना वो कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के इफेक्ट और मतलब ना जो घटनाओं को बना सकती है। इसलिए तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, सबके अंदर एक ईश्वर है और वो है कल के अवतार, इसलिए कहता हूं मैं आपसे। अब देखिए ये वो दृश्य था। उसके बाद में देखिए अगला वाला एक दृश्य है जिसमें क्या है कि वो एक गाना आता है, उसमें वो हीरोइन के ऊपर एक बांस होता है, उस बांस को बांस में एक सांप होता है हरे रंग का पानी का सांप, उसको छोड़ देता है, उसमें से वो सांप निकल करके और उसके जो धनुष होता है तीर होता है उसके ऊपर पड़ जाता है, ठीक है ना। ऐसा दृश्य है, बहुत फेमस है ये दृश्य बाहुबली का। और तो देखिए मेरी जो अनुभूति है कल के अवतार और सर्प वाली, उसमें आपको मैंने यही तो बताया था कि मैंने एक बार एक मतलब दृश्य देखा कि हमारे घर में एक छोटा सा सर्प आ गया, सांप आ गया, और उस सर्प को मैंने एक हरे रंग के पाइप में मतलब उसके पास लगा दिया तो उसमें चला गया वो, और फिर मैंने उसको सेलो टेप से बंद कर दिया उसके दोनों सिरों को, और बाद में फिर बाहर जाकर के जब उसको सेलो टेप हटा करके और मैंने उसको बाहर जाने के लिए ठक ऐसे किया ना जमीन पर, तो वो बाहर निकला तो मर चुका था। यही तो अनुभव बताया था मैंने आपको, और बिल्कुल ये का ये अनुभव है, इसमें भी वो बांस में सांप लेकर के आता है और उसके ऊपर ऐसे। अच्छा, इसमें और भी कई ऐसे दृश्य हैं और अभी मुझको याद नहीं आ रहे हैं। देखिए इसमें क्या है कि जो इस फिल्म का विलेन है ना, आश्चर्यजनक रूप से उसका नाम जो है ना वो कालकेय है, और मैं कल के अवतार की जो बात करता रहता हूं, और मैं जो आपसे कहता हूं ना कोई हीरो है ना कोई विलेन है, सबके अंदर वो एक ईश्वर है बस, जिनको मैं कल के अवतार कहता हूं। और जो विलेन है तो विलेन के अंदर भी वही विनाशक रूप है उनका, और मैंने कहा था ना आपसे एक बार, बताया था मैंने अनुभूति में कि गोरा भी मैं हूं काला भी मैं हूं, इस प्रकार की जो भगवान ने कहा था मुझसे वो मैंने आपको अनुभव में बता चुका हूं मैं, ठीक है ना। तो मतलब इसमें वो जो रूप है ना जो अब देखिए उसकी जो सेना है, उस सेना में सबके सब लोग बिल्कुल ऐसा लग रहा है जिसको काले रंग का पेंट कर रखा हो पूरे शरीर पर, और दौड़ रहे हैं सारे के सारे बड़े गुस्से में आकर के और इस प्रकार के हथियारों के साथ। तो मेरा वो अनुभव याद कीजिए जिसमें मैंने आपको बताया था कि कल्कि अवतार के शिवगण रूप को खुली आंखों से देखा, और जब धनुष लीला हमारे यहाँ होती है हर साल, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना उनके ऐसे पेड़ों के पत्ते लगा दिए जाते हैं आसपास, और तमाम तरह के मतलब उनको इस प्रकार के मालाएं पहना दी जाती हैं डरावनी सी, और पूरे शरीर पर पूरे चेहरे पर हाथ पैरों पर काले रंग का जो ऑयल होता है ना उसको पोत दिया जाता है, और एक टोकरा लटका दिया जाता है टन 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 ऐसी आवाज आती रहती है बच्चों को डराने के लिए, वो शिवगण रूप होता है उनका। और मतलब वो बताया जाता है कि राम जी की शादी में शिव जी के गण भी पधारे थे, इस प्रकार से बताया जाता है उसमें, ठीक है ना, क्योंकि शिव धनुष तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसमें, तो वो हर साल होता है हमारे यहाँ, और ये बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे पूरी की पूरी सेना जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है।
और